हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की वाली वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। तो आज की वाली इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट की वाली पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर वो वाली वीडियो देखिए। तो कैसे हमने विलेज ढूंढना था और कैसे हमने बेसिक टूल बनाकर अपना फर्स्ट डे नाइट स्पेंड स्किप कर ली थी हमने। तो फटाफट से इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस वाली वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में हम आयरन माइन करने जाने वाले हैं और जो भी चीज़ें मिलेगी तो उसको इकट्ठा करने वाले हैं। और अगली वाली वीडियो में आप कमेंट करके बताना कि किस चीज़ को हमको बनाना चाहिए। तो मेरे को तो इसमें हमको फूड फार्म बनाना चाहिए, जैसे कि अपना ये वीट फार्म ये बना कर ट्रेडिंग करेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमको आयरन माइन करने के लिए जो भी बेसिक टूल है उसको फटाफट से इकट्ठा कर लेते हैं और फूड भी इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि आयरन माइन के लिए जाने वाले हैं। तो फटाफट से वीट का हम ब्रेड बना लेते हैं। तो फटाफट से मैं सारे सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर एक आयरन गोलम है तो इसको फटाफट से मार देते हैं, देखते हैं कि कितने आयरन इंगट मिलते हैं। तो यहाँ से एक हिट तो दे दिया, इसको 3 ब्लॉक ऊपर जाकर फटाफट से इसको मार देते हैं। तो यहाँ से मार लेते हैं फटाफट से, इसको देखते हैं कि कितने हमको आयरन इंगट मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो यहाँ पर हमको 5 आयरन मिले हैं तो इससे फटाफट से हमारे टूल्स बना लेते हैं जितने बनते हैं उतने, और फटाफट से सारा आइटम इकट्ठा करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो लगभग हमको सारा आइटम कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से इस माउंटेन के अंदर हम डिक करते हैं और ढूंढते हैं आयरन। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और हमारे पास टॉर्च टॉर्च भी नहीं है तो फटाफट से इसको माइन कर लेते हैं। अगर कोल मिल जाए तो अच्छी बात है, तो मैं फटाफट से माइन कर लेता हूँ। अगर कोल मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी हमको टॉर्च। तो मैं फटाफट से एक टॉर्च लेके आ जाता हूँ विलेज में जाकर। तो यहाँ पर मैं एक टॉर्च लेकर आ सकता हूँ, आ चुका हूँ। तो यहाँ पर इस पॉकेट एडिशन में हम माइन ये टॉर्च जो अपने हाथ में नहीं रख सकते, इसलिए। तो यहाँ पर हमको कोल भी मिल चुका है तो देख लेते कितने कोल मिलता है यहाँ पर। तो काफ़ी सारा कोल है यहाँ पर, फटाफट से इसको माइन कर लेते हैं और फटाफट से डिक कर कर अंदर चलते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है हमको। तो मैं यहाँ पर बाहर आया था ताकि मैं स्टोन के एक
पिकेक्स बना सकूं। तो जो हमने पिकेक्स बना ली है काफ़ी सारी, तो फटाफट से हम माइनिंग पे चलते हैं आयरन। और हमको 47 हमको कोल भी मिल चुका है, तो इसकी मैं टॉर्च भी बना लूँगा। तो यहाँ से बंद कर लेता ताकि कोई जोम्बी वोम्बी अंदर ना आ सके। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना सारा मैंने माइन भी कर लिया है। तो हमारी पिकेक्स टूट गई थी इसलिए मैं वापस गया था। तो यहाँ पर हमको एक और कोल मिल गया है, तो फटाफट से डिप कर कर अंदर चलते हैं ताकि हमको क्या क्या मिल जाए। तो यहाँ पर नीचे माइनिंग कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि सामने गया था तो वहाँ से वहाँ पानी आ गया, तो वापस आ गया हूँ। कुछ कॉपर मिला था वहाँ से निकाल लिया है, तो फटाफट से नीचे की ओर डिग करते हैं। तो काफ़ी देख, पहले ये ऑन कर लेते हैं, अपना कोऑर्डिनेट ऑन कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। तो हम 34 लेवल पर हैं, तो फटाफट से देखते हैं कि कितने लेवल पर हमको मिलता है आयरन। तो यहाँ पर पहला आयरन, एक और आयरन हमको, पहला आयरन हमको मिल चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला आयरन मिल चुका है। तो यहाँ पर टॉर्च लगाते हैं, देखते हैं कि कितना आयरन और है यहाँ पर, देखते हैं कितना मिलता है हमको यहाँ पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 आयरन और मिल चुके हैं हमको। तो फटाफट से और डिक करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ये और साइड में कहीं पे और हो तो फटाफट से देख लेते हैं। तो नहीं है यहाँ पर, फटाफट से वो नीचे माइन कर लेते हैं, देखते हैं कि और कितने मिलते हैं। तो फटाफट से मैं सारा आयरन और जो भी है माइन कर कर मैं आपसे मिलता हूँ बाहर, कि देखते हैं कि कितने हमको आयरन और क्या क्या मिला है हमको।
तो यहाँ पर मैं माइन कर कर यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ। तो फटाफट से चलते हैं विलेज में, देखते हैं कि कितना क्या आइटम हमको माइन करने पर मिले। तो काफ़ी सारे स्टोन्स और इस ये ब्लैक कलर के क्वार्ट ब्लॉक, क्या बोलते हैं इसको, ये ब्लॉक्स, काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो हमारे आगे काम आने वाले हैं, हम आयरन फार्म बनाएंगे उसमें काम आने वाले हैं। तो यहाँ से फटाफट से अपने यहाँ पर भी अपना जो भी सारा सामान है तो वहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको देख सकते हो 36 आयरन इंगट मिले हैं, रो आयरन, और दो चेस्ट बना लेते हैं। फटाफट से इसको कहाँ पे प्लेस करते हैं फटाफट से देखते हैं। तो इसको बाहर प्लेस कर लेते हैं ताकि हमको लेने में, तो यहाँ पर लगा देते हैं दो। तो यहाँ से हमको काफ़ी सारे कोल स्टोन्स मिले हैं, आप देख ही सकते हो, 5 6 स्टैक हमको कोल स्टोन और कोबल डर्ट ग्रेनाइट ब्लॉक और डर्ट, काफ़ी सारे ब्लॉक मिले हैं। तो इन सब ट्रेड क्या दे रहा है? तो यहाँ पर हमको, हमारे पास इतने एमरल्ड नहीं है, तो अब हम यहाँ पर हमको ट्रेड ले लेते हैं इससे, वरना तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। तो गाइस फटाफट से देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। तो हमारा 36 आयरन है और यहाँ पर तो ये पहले से ही थे हमारे पास। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर कॉपर भी मिला है 44, और फटाफट से तो ये आयरन बकेट, इसको भी शेडल को भी अंदर रखवा देते हैं, और 18 रेडस्टोन डस्ट भी मिली है हमको। तो फटाफट से इस 37 को भी अंदर रखवा देते हैं, और हमारे आयरन को इसमें पहले सो जाते हैं फटाफट से, नाइट स्किप कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमको 36 हमको मिले हैं आयरन इंगेट, और हमने इसको भी डाल दिया है। तो गाइस तो वो हो रहे हैं स्मेल्टिंग आयरन। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगली वाली वीडियो में हमको आयरन फार्म बनाना चाहिए या फिर हमको वीट फार्म बनाना चाहिए, जिसमें हमको इस ट्रेडिंग कर सकते हैं, और या फिर ट्रेडिंग हॉल बनाना चाहिए, तो फटाफट से कमेंट कर जरूर बताना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।